लखनऊ से बड़ी खबर, शहीद पथ से एयरपोर्ट की राह अब आसान होगी। 10 दिन में शुरू होगा लिंक फ्लाईओवर, बिना ट्रैफिक में फंसे सीधी पहुंच सकेगी हवाई अड्डा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लोकार्पण कराने की तैयारी तेज हो गई है। 12 जनवरी से 14 जनवरी के बीच हो सकता है लोकार्पण। फ्लाईओवर के निर्माण में 134 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, तो यह बड़ी जानकारी और ऐसे में बड़ी सौगात प्रदेशवासियों को, जहां पर अब बिना ट्रैफिक में फंसे सीधे आप हवाई अड्डे पहुंच सकते हैं। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोकार्पण करने की तैयारी में जुट गए हैं और ऐसे में 12 जनवरी से 14 जनवरी के बीच हो सकता है लोकार्पण। वहीं आपको बता दें, फ्लाईओवर के निर्माण में 134 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, तो अब सभी को इंतजार है। राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री लोकार्पण करेंगे और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ओम पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम पांडे, देखिए अब लोगों के लिए खासी सुविधा और कह लीजिए बड़ा तोहफा प्रदेशवासियों के लिए, हालांकि रक्षा मंत्री लोकार्पण करेंगे और इसको लेकर तैयारियां तेज हो गई है। फिलहाल किस तरह की तैयारियां देखी जा रही है? देखिए हिमानी, आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ से सांसद हैं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लगातार लखनऊ वासियों को आए दिन जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको लेकर कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता था, ऐसे में जब स्वयं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सांसद है राजनाथ सिंह और देश के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं बड़े एक अहम कदम और बड़े फैसले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लिए थे। उन्होंने हाल ही में कई ऐसे जो पुल हैं उनका निर्माण कराया था, फ्लाईओवर का निर्माण कराया था, इससे लगातार जिनमें काम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि अब एक एयरपोर्ट लिंक फ्लाईओवर जो है वो बनकर तैयार हो गया है। अगर बात की जाए तो 10 दिन के अंदर इस पर जो है ट्रैफिक का जो डायवर्जन है वो शुरू हो जाएगा। इसकी शुरुआत की माना जा रहा है लोकार्पण जो है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। 12 जनवरी से 14 जनवरी के बीच लोकार्पण की जो तिथि है वो रखी गई है। अगर हम बात करें तो 1997.88 मीटर लंबा एलिवेटेड हाईवे ये फ्लाईओवर बनाया गया है और इसकी जो लागत है लगभग 134 करोड़ रुपए की खर्च इस लागत की हुई फ्लाईओवर की। तो सबसे बड़ी बात यह है कि लखनऊ वासियों को एक बड़ी सौगात मिलेगी, जहां आए दिन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है फ्लाईओवर से कहीं ना कहीं। बिल्कुल, देखिए बड़ी बड़ी सौगात इसलिए भी है यातायात करने में, जो तमाम परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ती थी, लंबे लंबे जाम से गुजर कर उन्हें वहां पर पहुंचना पड़ता था, लेकिन अब यह राह और भी आसान हो जाएगी। इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहेंगे, लोगों में किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है, स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है इस बात को लेकर? संदेह है जिस तरह से ये लोकार्पण जो है 12 से 14 जनवरी के बीच में होगा, उसके पहले अगर बात की जाए तो लोगों के में इस बात को लेकर लगातार कहीं ना कहीं इसके पहले यातायात को लेकर जिस तरह से लोगों को आज भी परेशानी का सामना करना पड़ता था, यहाँ तक कि लखनऊ में कभी कभी ऐसे चौराहे भी थे जहाँ पर कहीं ना कहीं एम्बुलेंस को भी परेशानी होती थी निकलने के लिए। तो जाहिर की बात है लखनऊ वासियों के लिए बड़ी सौगात है और लखनऊ वासी साफ तौर से इसका बेसब्री से इस पुल का इंतजार कर रहे हैं, फ्लाईओवर का इंतजार कर रहे हैं। और जैसे ही ये चालू होगा कहीं ना कहीं आम लोगों का रास्ता सुगम होगा, जो लोग जाने वाले हैं वो जो लोग निकलने वाले दूर से उस जाहिर की बात है उनको कहीं ना कहीं जो बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था, घंटों ट्रैफिक में फंसना पड़ता था, तो कहीं ना कहीं उस परेशानी की निजात मिलेगी और लोग जो है एक अच्छी यातायात अच्छी व्यवस्थाओं में सुचारू रूप से फ्लाईओवर से चल पाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर लखनऊ की अगर बात करें, राजधानी लखनऊ में तमाम फ्लाईओवर जो है वो लगातार बन रहे हैं या इसके पहले कहीं ना कहीं लोकार्पण राजनाथ सिंह जी के द्वारा कर दिया गया है, तो ऐसे में लखनऊ में लगातार जो फ्लाईओवर के निर्माण को लेकर अगर बात देख जाए तो कहीं ना कहीं बड़ी उपलब्धि अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बिल्कुल लखनऊ वासियों में उत्साह देखा जा रहा है और एक बड़ी उपलब्धि सरकार के लिए कह लीजिए। और जनता को जो परेशानी पहले झेलनी पड़ती थी, अब फ्लाईओवर से उनकी राह और आसान हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया ओम पांडे आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फ्लाईओवर के निर्माण में 134 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और ऐसे में इसका लोकार्पण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे, चूंकि वो संसदीय क्षेत्र है उनका और ऐसे में 12 से 14 तारीख का निर्धारित की गई है। 10 दिन में शुरू होगा लिंक फ्लाईओवर।